नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट पे देयर फीस आफ्टर 1st of July। आप सभी जानते हो कि अब 1st of July से हमारे वर्क रिस्ट्रिक्शंस फिर से चालू हो गए हैं। काफी चेंजेस आए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस भी हमारी चेंज होगी, थोड़ी सी बढ़ गई है, $2 बढ़ा दिया गया है। तो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फीस पे कर पाएगा आफ्टर 1st of July, ये हम वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, मैंने पूरा कैलकुलेशंस करके आपको सारा बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं ऐसा कंटेंट आपकी हेल्प के लिए बनाते रहता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। तो चलिए शुरू करते हैं। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, आप जैसे कि इधर स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इधर मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि आफ्टर 1st July हमारे हम फीस पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। तो हमारा मिनिमम वेज जो अब हो गया है 1st July के बाद से, दैट इज $23.23 पर आवर का। बट अगर हम उसे मोटा मोटा ले लें तो लेट्स टेक इट एज $23 पर आवर। और हमारे जो वर्क रिस्ट्रिक्शंस चालू हो गए हैं तो वो उतने हम कर सकते, पहले 20 आवर्स पर वीक था, अब हमारा हो गया 24 आवर्स पर वीक। सो अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें, सो इट्स 24 × 23 इज $552 पर वीक जो हमारा वीकली वेज रहेगा। सो अगर हम इसको एक मंथ के टाइम स्पैन में देखें तो एक वन मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, 4 × 552 इट्स $2,208। सो आप एक महीने में $2,208 कमा सकते हो। बट अभी रुको, अभी हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो अभी हम एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट करेंगे। सो पहला हमारा सबसे मेजर एक्सपेंस होता है हमारे रेंट का। तो रेंट इज अराउंड $250 पर वीक यहाँ, ये मतलब इतना एवरेज आपको मिलेगा, इससे कम भी मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिलता है। तो अगर हम एक महीने का कैलकुलेट करें तो 4 × 250 $1,000। तो काफ़ी लोगों का इससे ज़्यादा भी होता है, लोगों के 1300 तक मंथली रेंट होते हैं एंड काफ़ी लोगों के $800-$900 भी होंगे। तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं, तो $1,000 पर वीक हमारा रेंट हुआ। तो नेक्स्ट आता हमारा ट्रैवल चार्जेस। ट्रैवल मतलब बाइक वगैरह आप यूज़ करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, तो उसके अराउंड $150 पर मंथ का आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज हमारा ग्रॉसरीज के चार्जेस। तो ग्रॉसरीज के एक्सपेंस हमारे एक हफ्ते के आप मान लो अराउंड $70-$100। तो अगर आप एक महीने के कैलकुलेट करो तो मोटा मोटा 300 पर वीक आपका ग्रॉसरीज का होगा। फिर आता है हमारा बिल्स, और जैसे हम फोन का बिल पे करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी बिल्स हो गए, तो वो हो गए हमारे अराउंड $150 पर मंथ। प्लस हम अदर एक्सपेंसेस मिलाया, अगर कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं आप घूमने फिरने गए, बाहर से खाना मंगा लिया, तो इट्स अराउंड $200 पर वीक इतना मैं ले लेता हूँ। तो अगर हम इसको टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे इन सबको ऐड करके, तो एक महीने का हमारा टोटल एक्सपेंस बनेगा अराउंड $1,800 पर मंथ। अब हम आ जाते हैं अपनी सेविंग्स देखते हैं। अब हम आ जाते हैं सेविंग्स पे कि हमारी इस एक मंथ में सेविंग्स कितनी हुई। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा, हमारे जो वन मंथ का हमने बनाया था 2208 और फिर हमारे टोटल एक्सपेंस हो गए 1800। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें, $2,208 माइनस 1800, सो हमारा मंथली सेविंग्स पड़ जाएंगी अराउंड $408। इसको अगर मैं मोटा मोटा अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो इट्स $400 पर मंथ। तो इतनी आपकी सेविंग्स होगी। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक सेमेस्टर 3 महीने का होता है, लाइक अगर आप फरवरी इनटेक में आ रहे हो तो इट्स मार्च अप्रैल मई, और अगर आप जून जुलाई इनटेक के बाद आ रहे हो तो इट्स अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है, इट्स अराउंड 12 वीक्स, और फिर आगे जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग से चलते हैं। तो आप मान लो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर का हम मान लेते हैं 6 महीने हमारे 2 सेमेस्टर में लग जाएंगे, एक साल में मान लो 6 महीने लग जाएंगे पढ़ाई में हमारे। तो हम उसका कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ्स, हमने एक महीने में हमने कितनी सेविंग्स करी थी $400। अब हम 6 महीने का अगर कैलकुलेट करें तो 6 × 400 इट्स $2,400 $2,400 हम 6 महीने में बना सकते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस को हटा के जितना हम सेव करेंगे उतना है। अब फिर बात आती है वेकेशंस में, जब हमारी सेमेस्टर के बाद हमारी जब वेकेशंस पड़ेंगी तो हम तब कितना कमा सकते हैं, क्योंकि तब तो हम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। तो ये देखो हैप्पी हो गया, तो हम अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। और अब 24 आवर्स हमारा वर्क रिस्ट्रिक्शन हमारा जब हमारा सेमेस्टर चालू होता है तब का होता है। तो अगर आप मोटा मोटा मान लो, अगर हमको अनलिमिटेड आवर्स हैं तो आप इसका बिल्कुल डबल कर लो, 24 का आप 48 कर लो। अब 48 भी आप पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि वीकली में बहुत टफ हो जाएगा, तो लेट्स टेक इट एज अराउंड 45 आवर्स पर वीक। तो अगर आप 45 आवर्स पर वीक भी आप काम करते हो, तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, आप इसे कम भी कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आवर्स डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इतना आ जाओगे तब आपको और अच्छा एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंगली। तो 45 × 23 हमारा मिनिमम वेज हो गया, तो इट्स 1,035 पर वीक हम कमाएंगे। और अगर हम इसको मंथली देखें तो 4 हफ्तों का एक मंथ में हम कमाएंगे 4 × 1035 इट्स $4,140। अब वही बात आ जाती है, इसमें भी हमारे एक्सपेंसेस लगेंगे, एक्सपेंसेस हमने कितने कैलकुलेट किए थे ऊपर 1800। तो अब हम वापस नीचे आ जाते हैं, 1800 इतने में से माइनस कर देते हैं, तो $4,140 माइनस $1,800
तो ये हमारे पड़ गए अराउंड $2,340 पर मंथ। तो इतना हम एक्सपेंसेस के बाद जो हमारे इतने बचेंगे ये हम सेव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स $2,340 पर मंथ। अब जो हमने ये वेकेशन का एक मंथ का कैलकुलेट किया है, जो हमारे वेकेशन मिलते हैं, अब हमारे वेकेशन मिलते हैं 6 महीने तक के, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी हमारे वेकेशन होते हैं, और जून और जुलाई हमारे वेकेशन रहते हैं, एंड मिड ऑफ नवंबर से हमारे वेकेशन रहते हैं, और मिड ऑफ जून से, क्योंकि उसके पहले पहले तक हमारे एग्जाम्स भी चल रहे होंगे। तो एग्जाम्स में अगर आप मानो ना भी काम करते हो तो हम मोटा मोटा ऐसे अराउंड एस्टिमेट ले लेते हैं कि 5.5 मंथ्स आपने अनलिमिटेड आवर्स काम किया। तो 5.5 के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें, तो जैसे आप एक महीने में 2,340 आप सेव करते हो, तो 5.5 महीनों में आप करोगे अराउंड $12,870, एंड दैट्स ह्यूज। तो यहाँ पे अगर पूरे एप्लीकेशन आप अनलिमिटेड काम करते हो तो ये देखो हैप्पी हो गया, $12,870 आप सेव कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं हमारी टोटल सेविंग्स एक साल में हमने कितने बनाए, हमने कितनी सेविंग्स करी एक्सपेंसेस को हटा के। तो एक साल टोटल सेविंग्स इन वन ईयर $2,400 प्लस $12,870। अब ये हमारा कहाँ से आया आप ऊपर जाके देख सकते हो, ये हमने 2400 हमने 6 महीने जब हमारा सेमेस्टर चल रहा होता है, जब हमको वर्क रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये तब का हमने कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद जो हमने वेकेशंस का कैलकुलेट किया, जो हम अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हैं, दैट्स 12,870, तो सॉरी 12,870। तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारा आ गया अराउंड $15,270 जो हमने सेव किया। तो अब देखो, बट अब इसमें भी हमारे टैक्स रहते हैं, तो अगर हम इसको टैक्स काटें, मैंने अभी टैक्स नहीं काटे थे, तो हम इसको अगर टैक्स काटें तो अराउंड आपका पड़ जाएगा $14,500 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी पड़ सकता है, आपका टैक्स डिपेंड करता है कितना कटा आपका। अब हम बात करते हैं हमारे एक साल की एस्टिमेटेड फीस कितनी होगी। तो एक साल में अगर आप अपनी एस्टिमेटेड फीस कैलकुलेट करो, इट्स नियरली अबाउट अराउंड $27,000 टू $32,000। तो अगर हम एक सेमेस्टर की बात करें, तो एक सेमेस्टर की फीस हमारी पड़ जाएगी लगभग अराउंड $14,000 से लेके अराउंड $16,000। और अभी हम ऊपर देख सकते हैं हमने कितना सेव किया, अराउंड 14,500 अगर आप सेव करते हो, तो आप पूरे एक साल अगर आप काम करो वेकेशन में, अनलिमिटेड आवर्स काम करो, और वर्क रिस्ट्रिक्शन में भी 24 आवर्स काम करो, तो आप एक सेमेस्टर की फीस अपनी दे सकते हो, तो इसमें आप खुश हो गए। बट ये भी आपका डिपेंड करता है कि एक सेमेस्टर की फीस अगर आप पूरे आवर्स अपने यूटिलाइज करते हो तब पे कर सकते हो आप इनमें से भी। मैंने बेस रेट $23 लिया था, तो अगर आप इससे ज़्यादा अगर आपकी पे है $25 है $30 है, तो नियरली अबाउट अगर आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है अदर, तो आप एक सेमेस्टर की फीस पे कर सकते हो। सो जैसा कि आपने कैलकुलेशंस के बाद देख लिया, यस एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन मेक हिज फीस, पूरी तो नहीं बट एक सेमेस्टर की एक साल में बना सकता है, इफ ही यूटिलाइज ऑल हिज वर्क आवर्स एंड अच्छे से एक्सपेंसेस मैनेज करे, तो एक सेमेस्टर की निकल सकती है। ऑल्सो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स नॉन TFN बेस्ड जॉब भी करते हैं, जो उनको ऑन कैश पे कर देती है, तो उससे उनके वर्क आवर्स रिस्ट्रिक्शन काउंट में नहीं आते, और इसीलिए वो और ज्यादा काम कर सकते हैं उस जॉब पे। बट मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स रिस्की, इलीगल है ऑस्ट्रेलिया में, और अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आपकी वीजा रिस्ट्रिक्शन, आपका जो वीजा आता है उसमें ये क्लॉज होता है कि आप ये चीजें आप फॉलो करोगे 24 आवर्स की आपकी वर्क रिस्ट्रिक्शन, से आप ज्यादा नहीं करोगे। तो अगर आप ज्यादा करते हो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चल गया, तो दे कैन डिपोर्ट यू, और उनको अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप नॉन TFN जॉब्स करो और ऑन कैश, क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क ये भी रहता है कि अगर आप वो जॉब कर रहे हो, अगर कल को एम्प्लॉयर आपको पे ही ना करे, तो आप उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपने ही गलत किया है कि आप नॉन TFN जॉब कर रहे हो, तो आप उसकी अगर कंप्लेन करने भी जाओगे तो आप खुद फंस जाओगे उसमें। So that's it for today guys, hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप इससे कुछ सीखे, इसमें आप अपनी सैलरी भी डाल के आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो मेक श्योर यू लाइक दैट वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। सी यू देन, बाय बाय।